Murdabad! 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 सरहद की रक्षा करो मोदी जी, तब 56 इंच का सीना होता है। आपने तो अग्नि पे कसम खा के एक औरत को धोखा दे दिया, आपने तो अग्नि पे कसम खा के धोखा दिया है, हम कैसे विश्वास कर लें? आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, 41 नंबर कॉलम में लिखा था, जैसे ही 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और आप ले आए ऑर्डिनेंस। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे, आपने कहा था कि छोटे दुकानदार को आगे बढ़ाएंगे, आपने तो सब मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा नरवाना की बात में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो नरवाना की आवाज। जिस तरह से कृषि कानूनों को लेके आज किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है जगह जगह पे बैठ के, और आज जो उन्होंने टाइम दिया था 12 बजे से लेकर 3 बजे का चक्का जाम को लेके, उसी तरह से किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। राम बजू जाना से हूँ, गुजाना गांव से, गुजाना खाप्स के। सर ये बताइए कि जो आज का जो अल्टीमेटम दिया गया था यहाँ पे जाम लगाने का, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये है जी, हमारे किसानों को परेशान करके सरकार काले कानून ला रही है, और किसान काले कानून आएगा जब तक किसान मर जाएगा। काला कानून किसान का दुश्मन है बिल्कुल, और लेकिन सरकार ने किसान के साथ कोई सलाह मशवरा, किसान ने कोई बिड़क नहीं इसकी कि भाई सरकार तुम्हारे साथ क्या करने जा रही है। लेकिन सत्ताधारी लोगों ने जो हमारे साथ जुल्म किया है, इसकी लड़ाई चल रही है, हमारी पूरी लड़ाई है। तो रोड जाम है लेकिन जाम तो नहीं होने पता के भी होगा, और बहुत कुछ होने जा रहा है। इनसे तो नहीं मानेगी सरकार, हम बहुत कुछ करेंगे। हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई नहीं है, साधारण नहीं है। जैसे हनुमान जी गए थे ना लंका में, और उन्होंने कहा था लंकावादी लोगों ने, लंका जो हनुमान जो रावण के पक्षधार थे, के बोले भाई हनुमान तो शायद बंदर सेना है, तो इसकी तरह ये बंदर सेना ना समझे, इसको छोटा सा मामला ना समझे। सत्ताधारी लोगों ने इस चीज का पूरी आर पार की लड़ाई सोच लेनी चाहिए, और ये लड़ाई बहुत अहम, बहुत बड़ी होगी, छोटी सी नहीं रहेगी, बहुत बड़ी बनने वाली है। बाकी सरकार के लोगों ने चुनौती है चाहे तो मान जाए नहीं, देश की ईंट के ईंट भिड़ने जा रही है, देश को गुलाम होने जा रहा है, देश में रहेगा क्या, देश को सरकार के लोग गुलाम करने जा रहे हैं। बस इस देश की नहीं है, इसी देश विदेशी जैसी भाषा हो रही है, विदेशों जैसे कानून हो रहे हैं, तो इस देश के जो कानून थे, जिस तरीके से सारे सरकार ढांचे बदलने जा रही है, क्यों बदलने जा रही है? हमारे देश की परंपरा को हमारे देश के तरीके पर रहने चाहिए, हमारे देश को हमारे देश के मर्यादा में चलाना चाहिए, लेकिन मर्यादा से बाहर होकर किसान को मारने का काम कर रहे हैं जो काले कानून लाके सरकार के लोग। हम इस काले कानून का विरोध में नहीं पता, तो रोड जाम है, आगे भी क्या क्या होगा, लेकिन आज हमारी माँ बहनों को लाठी बरसाने का काम किया 26 तारीख के बाद, 27 तारीख को तंबू खड़े गए, ट्रेलियों में पिटा गया माँ को, बहनों को, किसानों को, बुजुर्गों को, हम इस सहन कैसे करेंगे? कैसे सहन करेंगे? ये इंटरव्यू ले हुए ना जो आप ले रहे हो, ये सच्चाई का इंटरव्यू है हमारा, लेकिन झूठ का नहीं है। हम अंदर की भावना से कह रहे हैं, सरकार के लोगों ने हमारे साथ हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठी मारने का काम किया, तंबू खाड़ने का काम किया, पानी छोड़ने का काम किया। हमारी जब का आंदोलन चला हुआ, जहाँ से हमारे एक बात हो रही है कि हम सरकार के लोगों ने सोच लेना चाहिए, ये लड़ाई छोटी सी नहीं है। सरकार के लोग इस देश को भंग करना चाहते हैं, जैसे सर सिख धर्म को बदनाम करने का काम किया इन्होंने, झंडा सरकार के लोग फहरावे सरकार की साजिश, और कहते हैं बोले इस देश के सिखों ने तो बोले खालिस्तान चाहते हैं। अरे देश में काले कानून लाने वाला इस देश को तोड़ना चाहता है, काले कानून लाने का काम करते हैं, जो झंडा भी वहां चढ़ाते हैं, काले कानून भी वहां बनाते हैं। सत्ता में बैठे लोग अहंकारी लोग हैं, इन्होंने अपने काले कानूनों को वापिस लेना चाहिए। ये देश तो चलाना है, अगर देश को बर्बाद करना है तो ये किसान छोटा सा मामला नहीं, देश का किसान वैसे लड़ता रहेगा, आर पार की लड़ाई है, देश की ईंट के ईंट भिड़ने जा रही है, देश के किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मजदूर और किसान सभी मिलके, इस देश का मजदूर क्या खाएगा, मंडी उठ जाएंगे, इस देश का मजदूर दिहाड़ी कहाँ करेगा, उसके 3-3 महीने मजदूर मंडियों में काम करके रोटी खाता है, किसान से सब किसान के खेत में 10 महीने काम करता है, मजदूर 2 महीने सरकार के काम करता है।
10 महीने किसान के खेत में एक मजदूर काम करता है बेचारा, वो मजदूर क्या खाएगा? जब अंबानी डानी हो जाएंगे मजदूरी थोड़े देंगे, यही मजदूरों से काम नहीं लेना, वो मजदूर बाहर से मंगाएंगे, चाइना से मंगाएंगे, अमेरिका से, कहीं से मंगाओ, नेपाल से मंगाओ, यहाँ इस देश का मजदूर पे काम नहीं लेंगे। अंबानी डानी, अंबानी डानी तो बहुत बड़ा इस देश के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ये इसका इस देश का मजदूर क्या खाएगा? रामबाबू जी एक बात बताइए, जो आज का जो धरना प्रदर्शन चला है, जाम का जो ऐलान था, जो जाम लगा हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आम जनता को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहना? देखो जी, आम जनता ने बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो किसान परेशान है, इस देश का किसान अन्नदाता भगवान परेशान है, जब तो अपनी शरीर में दर्द हो जाता है तो अपनी पीड़ा मिटाने का काम करते हैं, हम तो अपनी आवाज को रो रहे हैं, तो इसकी देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी पीड़ा आनी चाहिए, इस देश का राजा है प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के कृषि मंत्री जी ने, उन्होंने सोचना चाहिए कि भाई देश परेशान है, आने वाले जाने वाले परेशान हैं, देश के में रोड जाम हो रहे हैं, देश में आंदोलन हो रहे हैं बड़े बड़े, उनके बारे में सोच लेना चाहिए सत्ताधारी लोगों ने, भाई मतलब क्यों को हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये काला कानून के खिलाफ हो रहा है, हम तो इसलिए कर रहे हैं। जी सर, जी सर बताइए, जो किसान आंदोलन चला हुआ है वो जोरों से चला हुआ है और जाम का आज ऐलान भी था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, आपका क्या कहना है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ये संयुक्त मोर्चे की काल है, जो कि एक सरकार काले कानून लेकर आई है इसके विरोध में, उस काल का हम पालन कर रहे हैं, उसके तहत ये बंद के वन पर आज आस पड़ोस के गांव और हरियाणा के बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा सरकार को कि जो सरकार ये कहती है कि ये काले कानून नहीं है, कोई बताए इसमें काला क्या है, मैं एक साधारण सी बात, आप साधारण सी भाषा में आपसे एक पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आपकी लागत का मूल्य ना मिले और वो एक साल नहीं, दो तीन चार पाँच साल दस साल ना मिले, आप जो अपने घर की पूंजी है वो पूंजी आपकी माता बहन या अपने परिवार की जो संपत्ति अपने गहनों के रूप में होती है, उसको बेच बेच कर, अपना पशुधन बेच बेच कर, अपने बच्चों की पढ़ाई जो होती है उसको एक किनारे रख के अपनी आजीविका के लिए, अपने पानी के संसाधन, ट्रैक्टरों के संसाधन, अपनी खाद के लिए, उसने जो अपना सारा कुछ ऐसे तबाह कर दिया, तो उसको आप फसल का लागत मूल्य ना मिलेगा, तो इसको काला कहने में और काला मानने में सरकार को क्या परेशानी है? अगर ये असलियत नहीं है तो किसी भी जमींदार के पास आज किसी भी कोई भी जो समाज में जो आप गरीब किसान मजदूर है उसके घर का जायजा तो ले, उस पर कितना बोझ है, कितना उसके घर की आर्थिक स्थिति कम है। और सरकार एक दूसरी बात हम पे थोप देती है, ये तो जी कपड़े पहनते हैं, ये बड़े बड़े घरानों वाले हैं, ये सरकार को हम चेता देना चाहते हैं, आपने अपने सरकारी अमले को, तंत्र को और भ्रष्ट तंत्र को मजबूत करने के लिए आपने तरह तरह के कई तंत्र बनाए, कई प्रणालियां बनाई, कई पीछे द्वार के रास्ते निकाले और उनको मजबूत किया है। आप किसान की ये बात नहीं ले रहे, मजदूर की ये बात नहीं ले रहे, ग्रामीण क्षेत्रों की ये बात नहीं ले रहे, जो 70% दुनिया है और वो अपने आप आजीविका कमा के ये रोड बने हैं, किसके है, मार्केटिंग बोर्ड किसका होता है, किसान का होता है, कैसे होता है, वहाँ से जो बनते हैं, हमने अपनी व्यवस्था आपस ही खुद खड़ी करके तो उसको चला रहे हैं, जो सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, जो सरकार हमारे नाम से सब्सिडी दे रही है उसकी कभी जांच तो कराए, कभी सरकार अपने दायित्व पर तो आए। सरकार आज किसी को सरकार नाम की चीज नहीं है, यार ये नहीं है, ये आज की सरकार नहीं है, पिछले 40-50 साल से ही सरकार सरकारों किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रही है और फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। जरूरी है आंदोलन में ऐलान करने बहुत जरूरी होते हैं, ऐलान से लोगों में जागृति आती है, ऐलान से नए प्लान बनते हैं, नई योजनाएं सिरे चढ़ती हैं। जो आज का चक्का जाम बुलाया गया ये सांकेतिक चक्का जाम है, हम चाहते हैं कि सरकार संकेतों से समझ जाए, किसान चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी संकेत जो किसानों के द्वारा दिए जाते हैं, जो छोटे छोटे ऐलान किए जाते हैं उनसे समझ जाए, वरना अगर किसान ने बड़ा ऐलान कर दिया तो सरकार को पता नहीं लगेगा किस तरीके से इन सब चीजों से पार पाया जाए।
कि सारा भारत के अंदर आज मोदी सरकार की यानी बीजेपी सरकार का विरोध किया जा रहा है, और इसके बारे में क्योंकि सारे यत्नों के बाद आज मोदी हर जगह हमने झूठा कर दिया है, किसी भी बात में उसकी सच्चाई नहीं निकली, और आज जनता एकजुट हो चुकी है, नाम बंद हो चुकी है, और छोटे से बड़ा गरीब से अमीर सबको पता चल चुका है कि जो ठीक मोदी जो है वो पूरा झूठा है, और उसके विरोध में नहीं तो जनता को कोई चाव नहीं होता किसी का पुतला फूकने का। जब मजबूर हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हो जाते हैं, तो एक पुतला विरोध किया जाता है। तो इन बातों के साथ ही आज सारे पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, वैसे तो ये 5 साल से जो लोगों ने सहन करी वही गलती हुई, लेकिन ये लगातार बढ़ाता चला गया। आज पानी जो है सिर के ऊपर से गुजर चुका है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और जो भी है मोदी ने तीनों काले कानून लगा रखे है, ये वापिस लेने चाहिए, तो जो आंदोलन चल रहा है हमारा पूरा जारी रहेगा, और इसकी गलत नीतियाँ हैं। जो राजा का फर्ज होता है ना, जनता का भला करने का तर्क है, जनता को दुखी करने के लिए नहीं होता जी। और गली गली में तरता है कि मोदी ने महकमे बेच दिए, बिजली बेच दिया, रेलवे बेच दी, प्राइवेट कर दिए, कोशिश तो जनता ने याद को नहीं करी, आज इस टाइम भी बनाया गलती तो जनता ने कर दी, बोर्ड का हमने उस बात पर आए नहीं। तो हमारी तो यह रिक्वेस्ट है, बिना नुकसान होए और तीनों कानून वापिस ले, किसान अपना घर काम करेंगे, सुख शांति बनी रहेगी। धन्यवाद जी।